आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज जो मैं साधना देने वाला हूं ये आज्ञा वेताल की साधना है, ठीक है। आज्ञा वेताल कई वेतालों में जो नाथ संप्रदाय में माने जाते हैं उनमें से एक है। इनकी मान्यता सिर्फ नाथ संप्रदाय में ही है। नाथ संप्रदाय में बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस्लाम धर्म से भी आई, जैसे जिन की मान्यता, आज्ञा वेताल की मान्यता। शाब्दिक अर्थ आज्ञा वेताल का होता है बदमाश बच्चा या तीखी मिर्च, ठीक है। लेकिन सनातन धर्म में वेताल भूतों का राजा माना जाता है। एक कथा है जिसमें किसी के प्राण हरने का वेताल आया था और उसको तांत्रिकों ने पकड़ लिया। पकड़ करके उससे पूछा गया कि तुम अपने अस्तित्व के बारे में बताओ, तो उसने बताया कि जो घोर पापी होता है पृथ्वी पर, वो अगर महादेव का उपासक होता है तो उसको जो दंड है एक प्रेत को वो नहीं मिलता है, और वो एक यमदूत के रूप में कार्यरत हो जाता है और उसी को वेताल बोलते हैं। इसी में एक प्रकार के वेताल जिनको आज्ञा या अजिया वेताल अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर बोला जाता है। इनकी साधना करने से ये साधक के मुख पर वास करते हैं और किसी का भी भूत या वर्तमान बता सकते हैं, थोड़ा बहुत भविष्य एक आध दिन का ऐसा बता सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और अभिष्ट जानकारी आपको दूसरी दुनिया की लेनी हो तो आप इनसे ले सकते हैं। इनकी साधना में जो सामग्री आपको चाहिए वो ये है। सबसे पहले एक कारण, मतलब शराब की बोतल, चमेली के फूल, लोबान का धूप, छार छबीला, वो आपको पूजा दुकान में या फिर आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा, लौंग, कपूर, काचरी, इत्र एक होना चाहिए, बहुत तेज इत्र, ठीक है। और आटे से बना हुआ एक चौमुखी दिया बनाएंगे जिसमें तेल का जो है हम लोग तेल के सहारे से उसको जलाएंगे। ये साधना जो है ये अश्मशान में होनी चाहिए। सबसे अच्छा जो होता है वो मसान में, और ऐसा मसान हो जो कि जागा हुआ हो, ठीक है। ज़्यादा असर इस साधना का तब होता है जब आप होली या दीपावली के रात में इसको करें। और जैसे अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे मसान हो जाते हैं जो मसान में बहुत भीड़ लगी रहती है, जैसे होली की रात्रि है तो बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ है, दीपावली की रात है बहुत ज़्यादा भीड़ है, या कोई विशिष्ट दिन है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ऐसे जगहों पर ना करके कोई अगर निर्जन स्थान पर आप इस साधना को करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। सबसे पहले क्या करना है कि एक जो बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मैं आपको बताना भूल गया था वो है बकरे का चर्बी। तो जब आप दीपक जलाएंगे तो तेल थोड़ा और बकरे की चर्बी को मिला लेंगे और उसके बाद दीपक जो है उसी में जो है आप प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो है आप वहाँ पर चमेली का पुष्प उस दीपक के चारों तरफ छींटेंगे और थोड़ा पुष्प जो है आप रख लेंगे। इसके अलावा जो बाकी सामग्री है जैसे छार छबीला, लौंग है, काचरी है, इत्र है, इसको एक किसी बर्तन में सामने में भोग के रूप में रख देंगे। ये जो इत्र है ये भी भोग के रूप में ही रखा जाएगा और साथ में हम लोग लोबान को जला देंगे। इतना करने के बाद जो मंत्र है वो 11 माला जाप करेंगे, ठीक है। आपको ये मंत्र तब तक जाप करना है, इसका कोई दिन निर्धारित नहीं है, आपको ये मंत्र तब तक जाप करना है
जब तक आज्ञा वेताल आपके सामने ना आ जाए। 3 बार मैं मंत्र बोलूंगा, इसको ध्यान से सुनेंगे। दिशा और आसन मैं इस मंत्र के बाद आप लोगों को बताऊंगा। ओम नमो आज्ञा वीर बेताल, पैठी सातवे पाताल, लांग अग्नि की जलती झाल, बैठी ब्रह्मा के कपाल, मछली चील कागली गूगल, हरिताल इन वस्ताम को ले चली, ना ले चले तो माता कालिका की आन। फिर से सुनिए। ओम नमो आज्ञा वीर बेताल, बैठी सातवे पाताल, लांग अग्नि की जलती झाल, बैठी ब्रह्मा के कपाल, मछली चील कागली गूगल, हरिताल इन वस्ता को ले चली, ना ले चले तो माता कालिका की आन। ठीक है, ये आप जाप करते रहेंगे। जैसे ही आपको आज्ञा वेताल का दर्शन होता है, तो जो सामग्री आपने उस बर्तन में रखी हुई है, मतलब क्या क्या, तो लौंग, कपूर, काचरी, इत्र, ठीक है, ये सब आप उनको समर्पित कर देंगे। ठीक, उनको दीपक दिखाएंगे। दीपक कैसे दिखाया जाता है कि जल उसके चारों तरफ छीट करके और उनकी तरफ जो है आप जल को फेंक देंगे, वैसे ही धूप जो लोबान है उसके चारों तरफ जल आप घुमाएंगे और उसके जल को उनकी तरफ फेंक देंगे, तो वो अर्पण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कपूर थोड़ा सा वहाँ पर जला देंगे स्वागत में, ठीक है ना। और इतना करने के बाद चाहे तो आप उनसे ये बोल सकते हैं कि आप हमारी जिह्वा पर बैठ करके किसी को जो भी सामने आए उसका भूत भविष्य वर्तमान बताएं, या फिर कोई अगर आपको अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति है जो आपको करना है, तो वो अभीष्ट वस्तु जो है आप उनसे मांग लें। ये वस्तु ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आप खाकर ख़त्म कर लें। ठीक है, आप इसको उठा करके इस वस्तु को अपने साथ हमेशा रखें। ऐसा कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई रत्न हो, है ना, या कोई और सामग्री हो, कोई माला हो, ऐसा कुछ मांग लेते हैं, उसके बाद उसको आप हमेशा साथ में रखें। और जब भी कहीं कुछ हो तो एक कंकड़ उठाएं, इस मंत्र का 108 बार आप जाप करेंगे, ठीक है, और फेंकेंगे उस कंकड़ को। जैसे ही आप उस कंकड़ को फेंकेंगे तो वहाँ पे आग लग जाएगा। जब ये हो जाता है ना, तो समझ जाइए कि आपका आज्ञा वेताल जो है वो सिद्ध हो गया है। उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग आप किसी का भी जो भूत प्रेत उतारने में, किसी का तंत्र बाधा काटने में, हर तरह के प्रयोग में भी इस मंत्र को कर सकते हैं। साथ में अगर आपने मुख पे मांगा है, तब तो जो सामने आएगा उसका भूत भविष्य वर्तन आपको समझ में ना आए, लेकिन आप जो है बोलते रहेंगे। तो थोड़ा ऐसा साधना है जो गृहस्थों को नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई करना चाहता है, किसी को टेस्ट करना है कि तांत्रिक विद्याएं होती है कि नहीं, वो कुछ समय के लिए इसको रख सकता है। बाद में विसर्जन करने के लिए ये मंत्र जो है किसी महादेव मंदिर में जाकर के नंदी के कान में 3 बार बोल देंगे, तो ये जो अग्नि वेताल है ये आपके पास से विसर्जित हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जिनको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है बेसिक साधना सीखने के लिए, वो 9431188585 पर जुड़ सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपको हम जो साधना का शुरुआती आयाम है वो बताएंगे, जिसमें आसन बंधन यंत्र बनाना, मंत्र बोलना, ये सब आता है। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो 9431188585 पर ले सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें रुद्रनाथ@cm4 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। भगवान भैरव आपकी इस साधना में सहायता करें और रक्षा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।